लोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम योगेश कुमार मरकाम है और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव ग्राम लिखवा डिस्ट्रिक्ट धमतरी से बिलोंग करता हूं। मैं ऑल इंडिया जर्नी 26 मार्च 2022 को मैं इस जर्नी को स्टार्ट किया था। मेरा भारत भ्रमण करने का मेन उद्देश्य है ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, भारत को स्वच्छ बनाओ, पेड़ लगाओ और अपने छत्तीसगढ़ टूरिज्म को प्रमोट करना, ये मेरा मेन उद्देश्य है। और अभी तक मैं 18 राज्य कंप्लीट करके आपके आसाम आया हूँ। अभी जस्ट एंटर किया हूँ आसाम में और अभी तक मैं 12,500 किलोमीटर कंप्लीट किया हूँ इस जर्नी में। और आगे मैं जाने वाला हूँ नॉर्थ ईस्ट पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, आसाम सॉरी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये अभी बाकी है तो उस साइड अभी जा रहा हूँ। बाकी मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया में साफ सफाई रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि हमें वृक्ष लगाना ज़रूरी है। क्योंकि एक पेड़ 6 साल लगता है बड़े होने में, तो हमें अपने लिए नहीं, हमें आने वाले पीढ़ी के लिए सोचना है। तो मैं आप सभी को आग्रह करता हूँ कि आप अपने जीवन में पेड़ ज़्यादा लगाएं और अपने जीवन में साइकिल का यूज़ ज़रूर करें। जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम योगेश कुमार मरकाम है और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव ग्राम लिखवा डिस्ट्रिक्ट धमतरी से बिलोंग करता हूं। मैं ऑल इंडिया जर्नी 26 मार्च 2022 को मैं इस जर्नी को स्टार्ट किया था। मेरा भारत भ्रमण करने का मेन उद्देश्य है ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, भारत को स्वच्छ बनाओ, पेड़ लगाओ और अपने छत्तीसगढ़ टूरिज़्म को प्रमोट करना, ये मेरा मेन उद्देश्य है। और अभी तक मैं 18 राज्य कंप्लीट करके आपके आसाम आया हूँ। अभी जस्ट एंटर किया हूँ आसाम में और अभी तक मैं 12,500 किलोमीटर कंप्लीट किया हूँ इस जर्नी में। और आगे मैं जाने वाला हूँ नॉर्थ ईस्ट पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, आसाम सॉरी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये अभी बाकी है तो उस साइड अभी जा रहा हूँ। बाकी मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया में साफ सफाई रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि हमें वृक्ष लगाना ज़रूरी है। क्योंकि एक पेड़ 6 साल लगता है बड़े होने में, तो हमें अपने लिए नहीं, हमें आने वाले पीढ़ी के लिए सोचना है। तो मैं आप सभी को आग्रह करता हूं कि आप अपने जीवन में पेड़ ज़्यादा लगाएं और अपने जीवन में साइकिल का यूज़ ज़रूर करें।